नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बंशीधर नगर। बंशीधर नगर मुख्यालय निवासी रामगहन राम के 20 वर्षीय पुत्र दलजीत कुमार बचपन से ही पैर से पोलियोग्रस्त हैं। उसके हाथों में चित्रकला के नाम पर अद्भुत कला है, जो आंखों से देखकर हाथों से हूबहू कागज या दीवार पर उतार देता है। बंशीधर नगर में वह अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। अफसोस इस बात का है कि बंशीधर नगर में ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो इसकी प्रतिभा को निखार कर उसे धार धार बना सके। सच कहा गया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं। ऐसा ही गॉड गिफ्ट दिलजीत को उसके हाथों को मिला है, जो पोलियोग्रस्त होते हुए भी अपने दिमाग का लोहा और हाथों की खूबसूरती कागज और दीवारों पर उभारता है। कौन है दिलजीत? जैसा नाम वैसा काम। लोगों के दिल में जगह बनाने वाले 20 वर्षीय दिलजीत एक बेहद गरीब परिवार से हैं। इनके पिता रामगहन राम राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। दिलजीत ने बताया कि 4 भाई और 2 बहनों में वह सबसे छोटा है। उसने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा बंशीधर ग्राम स्थित हरिजन टोला प्राथमिक विद्यालय में हुई। उसके बाद उसने मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। उच्च शिक्षा हेतु स्थानीय +2 उच्च विद्यालय में पढ़ाई कर नामधारी कॉलेज से BSc कर रहा है। उसने बताया कि BHU में आर्ट एकेडमी में परीक्षा दी थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण चित्रकला की पढ़ाई करने से बाहर नहीं जा सका। उसने बताया कि सरकारी विद्यालयों में वह दीवार पर गौतम बुद्ध, शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी सहित अन्य महान व्यक्तियों की कई तस्वीरें भी बना चुका है। पैर से पोलियोग्रस्त दिलजीत ने बताया कि एक पैर से पूर्णतः पोलियोग्रस्त है। उसने बताया कि कलकत्ता में काफी दिनों तक इलाजरत रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब टैलीपर पहनने के बाद धीरे धीरे दोनों पैर पर चल पाता है। धन्यवाद।